हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल पर। दोस्तों मैं एक ऐसा स्टॉक देना चाहता हूँ जो आपका फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता है, और मुझे लगता है इसमें एक रैली अभी मिसिंग आउट हो रही है, और डेफिनेटली फ्यूचर में एक रैली इसमें देखने को मिल सकती है, काफ़ी अच्छी रैली। आप अगर कंपेयर करोगे कैडिला हेल्थ केयर स्टॉक को अदर स्टॉक से फार्मा के, वो काफ़ी भाग चुके हैं। और वो फार्मा देख लीजिए, आपका सिप्ला देख लीजिए, वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई में चल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उस हिसाब से मैं पॉसिबिलिटी लगा सकता हूँ कि डेफिनेटली ये स्टॉक एक हाई बना सकता है अपना, और डेफिनेटली ये अपना एक हाई टच कर सकता है, जो इसका हाई ऑलमोस्ट होता है 600 रुपये 500 रुपये के आसपास। तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये स्टॉक वहाँ जा सकता है। ये क्यों आ जा सकता है, एक बार हम चार्ट में देख लेते हैं कि चार्ट में हमें क्या पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है फ्यूचर में, और फ्यूचर में हम इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं आने वाले वक्त में, ठीक है। तो एक बार हम वो देख लेते हैं ढंग से। तो अगर आप चेक करोगे मंथली चार्ट, तो इसका पहले हम देख लेते हैं कैसा मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट अगर आप देखोगे तो सपोर्ट एक एरिया था यहाँ पर, इसने सपोर्ट लिया है, देख सकते हो ये सपोर्ट एरिया था इसका, ये सपोर्ट एरिया से यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गया, ठीक है। मंथली चार्ट एकदम आपका बोलिश दिख रहा है, काफ़ी अच्छी अच्छी हरी कैंडलें बन रही है, डेफिनेटली आपको इसमें बाय करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाय के लेवल्स क्या होंगे आपके साथ अभी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो एक बार देख लेना क्या लेवल्स है, ठीक है। मंथली चार्ट अच्छा लग रहा है। बाकी वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट भी एक अच्छा खासा फॉर्मेशन करना है। तो अगर आप इसमें देखोगे रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करोगे तो देख सकते हो ये एक रेजिस्टेंस था इसका, ठीक है। ये एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया था इसका, जो इसने यहाँ तोड़ा था, ब्रेक किया था, और जब सेकंड टाइम ये आया तो ये सब यहाँ पर बराबर रेजिस्टेंस तरह से काम किया। तो अगर आप चेक करोगे तो ये रेजिस्टेंस एक तरह से आप बोल सकते हो अब ये वीक पड़ चुका है, तो मुझे लगता है ये रेजिस्टेंस कभी भी ब्रेक हो सकता है आने वाले वक्त में फ्यूचर में। तो मैं अगर बात करूँ उसके लेवल टारगेट के आपको देखने को मिल सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो उसका जो पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा वो मिल सकता है आपको ईजिली 440 रुपये तक, तो मुझे ये स्टॉक जाते हुए दिख रहा है आने वाले वक्त में फ्यूचर में। और जैसे 440 के ऊपर सस्टेन करेगा, मेरे टारगेट इसमें निकल के आते हैं 500 रुपये और आपके 520 रुपये तक के, ठीक है। बाकी हाई ब्रेक करेगा वो एक अलग मैटर होता है, अगर इसके प्रॉफिट अच्छे आए इस जो भी अभी क्वार्टर चल रहा है तो डेफिनेटली ऊपर जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से चार्ट में आपको इसमें बाय करके चलना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 440, 497 और 520 रुपये के लिए। अब आपको बाय कैसे करना है एक बार हम दिखा देता हूँ आपको, मतलब हमारे बाय प्राइस क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या रहेगा, हम एक बार वो देख लेते हैं। अगर आप डेली में इसको चेक करोगे तो मैं आपको डेली का दिखा देता हूँ, इसमें अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे इसमें देख सकते हो एक अच्छा खासा इसमें सपोर्ट एरिया के आसपास सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ये फॉर्मेशन ब्रेक होगा इसका, ठीक है, जैसे ही फॉर्मेशन ब्रेक होगा ये जा सकता है, और डेफिनेटली ये अपना 440 का जो लेवल है वो टेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप चेक करोगे तो मेरे हिसाब से आपको उसको बाय करके चलना चाहिए। तो आप बाय कैसे करना है आपको मैं स्टॉप लॉस और टारगेट दे देता हूँ। तो बाकी स्टॉप लॉस टारगेट के लिए मैं आपको अपने आया तो आपको जो मेरा ट्विटर अकाउंट है वहाँ मैं आपको इमेज शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं मैंने जैसे कि अपडेट कर दिया टारगेट के बारे में, कैडिला हेल्थ केयर के 413 का टारगेट रहेगा। अगर आप इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आता है जो आप बोल सकते हो 4 दिन या 2 दिन के लिए या कल ही इसका टारगेट देखने को मिल सकता है, अगर इसने 401 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट करा तो आप बाय करके चल सकते हो 1 या 2 दिन के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 394 का, और जो टारगेट निकल के आता है डबल जो निकल के आता है हमारा 413 के आसपास का। बाकी अगर आपको 495 के टारगेट के लिए वेट करना है तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा आपका 380 रुपये, मतलब जो लास्ट स्विंग है इसका आपको दिखा देता हूँ जो स्विंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हो जो ये स्विंग है इसका लो, ये आपका 380 का आपका स्विंग हो 490 रुपये के टारगेट के लिए, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का लो 380 निकल के आता है, तो इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस में रहेगा, डेली बेसिस की कैंडल क्लोज करनी चाहिए 380 के नीचे, और जो कैंडल होनी चाहिए वो हैकनेशी कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो टारगेट रहेगा 490 रुपये और बाय प्राइस 401 रुपये निकल के आता है, तो जो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो ऑलमोस्ट 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड निकल के आता है, काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मुझे दिख रहा है। तो आप इस तरीके से मैं ट्रेड कर सकते हो, मैंने आपको एक शॉर्ट टर्म व्यू बता दिया, शॉर्ट टर्म आपको बता दिया है जो 1 महीने के टारगेट या 2 महीने के टारगेट में निकल के आ सकता है, या 3 महीने भी लग सकता है जो 490 रुपये का निकल के आता है। 2 या 3 दिन का व्यू चाहिए तो दो या तीन दिन के लिए अगर आपको बाय करना है तो 401 रुपये के ऊपर आप बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको 394 रुपये का, और टारगेट रह सकता है आपका 413, 415, ठीक है। तो आपका ये छोटा सा व्यू है कैडिला हेल्थ केयर का, मुझे लगता है डेफिनेटली ये एक ब्रेकआउट दे सकता है, और ये स्टॉक अंडर परफॉर्म है
ठीक है, अभी तक मुझे नहीं लगता इसने ऐसी कुछ अच्छी मूव दी है, और ये डेफिनेटली जो फार्मा सेक्टर की रैली हो रही है इसको पक्का कैचअप करेगा। तो यही स्टॉक मुझे नज़र आ रहा है जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। तो अगर आपको पसंद आया होगा डेफिनेटली आप वीडियो में लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और आपका कोई भी क्वेश्चन है आप डेफिनेटली मुझे ट्विटर में फॉलो करके पूछ सकती हो। बाकी मैं ट्विटर में आपको काफ़ी अच्छे स्टॉक देते रहता हूँ, तो डेफिनेटली वहाँ फॉलो करना ना भूलिएगा जो भी मेरे इंटरडे स्टॉक्स रडार में होते हैं या वीकली मंथली स्टॉक्स रडार में होते हैं, मैं आपके साथ वहाँ शेयर करते रहता हूँ, डेफिनेटली वहाँ फॉलो करना। जैसे आप देख सकते हो ये अच्छे खासे फ्लैग पैटर्न बन रहा है, तो डेफिनेटली ये भी अच्छा स्टॉक है हमारा। माइंडट्री भी एक अच्छा स्टॉक दिख रहा है जो मैंने हाल फिलहाल में आपसे शेयर किया है, ठीक है। और देख सकते हो एक ये नेटको फार्मा भी शेयर है जिसने अच्छा खासा ब्रेकआउट किया है 940 के ऊपर, इसका जो टारगेट निकल 840 के ऊपर दिया है, इसका टारगेट 930 रुपये निकल के आता है, ठीक है। और ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं, ठीक है। IGL भी एक अच्छा खासा स्टॉक है, देख सकते हो ये कल के लिए है, आप रडार में रख सकते हो अगर आपको रखना है। तो आपको अगर ऐसे स्टॉक चाहिए तो डेफिनेटली इसको फॉलो करिए मुझे टेलीग्राम और ट्विटर में, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इंडिया मार्ट देख सकते हो इंडिया मार्ट का जो हमारा टारगेट था इसमें अच्छा खासा एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है 4 डेज का, जैसे मैं बताया था हमारा जो टारगेट थे एक ही दिन में अचीव हो गए, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, ठीक है। बाकी आप कैडिला हेल्थ केयर को अपने रडार में रख सकते हो, डेफिनेटली ये रॉकेट हो सकता है जो मैंने आपको लेवल्स दिए हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं आपको अपने अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।